कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई बिजली कटौती को लेकर रैली निकाली और थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पानसेमल द्वारा महंगाई और बिजली कटौती को लेकर नगर के दुर्गा मंदिर प्रांगण से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली पुलिस थाना पानसेमल में पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया को दिया। पानसेमल विधायक चंद्रभागा किराड़े के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी रैली और धरने में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी क्षेत्र की बुरी हालत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए, पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा व अपना विरोध दर्ज करवाया और 15 दिनों में समस्या का समाधान न होने पर चक्का जाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। को लेकर रैली निकाली गई, धरना दिया गया थाने प्रांगण में, आज विधायक मैम के माध्यम से कांग्रेस कमेटी पानसेमल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्याएं बिजली कटौती अत्यधिक होने के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम से, जिन्हें किसानों की समस्या और अन्य बिंदु भी इसमें शामिल है। सर, प्रशासन की तरफ से कोई हमने समक्ष में MPB के JE साहब को भी इस समस्या के संबंध में अपने वरिष्ठ स्तर से कि क्या समस्या का समाधान त्वरित रूप से करने हेतु जवाब जी जी तो क्या JE साहब की तरफ से क्या जवाब रहा, समस्या का समाधान हो जाएगा? JE साहब की तरफ से समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों से भी उनके द्वारा अवगत करा दिया जाएगा इस संबंध में। को लेकर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन भी दिया गया, क्या आश्वासन मिला? देखिए, काफ़ी समय से बिजली कटौती की जा रही है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सारे किसान सारे लोग परेशान थे। उनकी फसलें नष्ट हो रही है, घर में खाना बनाने की परेशानी, रहने की परेशानी, दुनिया भर की परेशानी बिजली के कारण है। इसकी वजह से आज हमने शांतिपूर्वक रैली निकाल कर ज्ञापन दिया है, सरकार को बताया है कि हमारी क्या क्या परेशानी है बिजली के कारण। साथ ही महंगाई इतनी है कि किसान क्या आम जनता त्रस्त है, इतनी महंगाई में जीना गरीबों का बहुत मुश्किल हो रहा है, ये भी हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, तेल के दाम कहाँ पर जा रहे हैं, आज सरिया क्या भाव है, आवास दी है सरकार ने और आवास तो बन ही नहीं पाता इतने पैसे में। ये व्यवस्था को देखकर सारी दुनिया परेशान है कि ये कैसा न्याय हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उनको अवगत कराने के लिए, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हमने ये रैली निकाल कर ज्ञापन दिया है, ताकि सरकार के कान खुलें और जनता की आवाज़ उनके कानों में जाए। आज इन्होंने, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन में हम ये सरकार को अवगत कराकर आपको जो भी होने वाला है वो बताएंगे, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए हम आज शांतिपूर्वक यहाँ पर अपनी बात रखे हैं। यदि ये नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हमको फिर धरना प्रदर्शन और उग्र रूप लेके आंदोलन करना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। मैडम, आप क्षेत्रीय विधायक हैं तो सरकार को आप डायरेक्ट जिसे चर्चा करके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? चर्चा करके हम तो लिख के दे चुके हैं और बार बार कह रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं, लेकिन कोई सुने तो सही जनता की आवाज़। इसलिए जनता को लेके आए हैं हम कि हमारे किसान आए और खुद अपना बखान करें। धन्यवाद मैडम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।